नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के छठा लेक्चर कंप्लीट करेंगे और आज अगेन हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य अध्ययन पार्ट 6। पार्ट 5 मैंने दे दिया ऑलरेडी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई थी? पंचायत राज की स्थापना देश में 1959 ईस्वी में की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाली में वो हमेशा शिक्षा देने के लिए जाते रहते थे, और राजगीर में भी उनका निवास स्थान था। तो ये उपर्युक्त सभी से उनका जुड़ाव लगाव रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था चंपारण में। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। हमारे राष्ट्रगान के, यहाँ राष्ट्रगीत है लेकिन गान होगा, हमारे राष्ट्रगान के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकंड में गाते हैं हम लोग, और जबकि कम्प्लीटली है वो 58 सेकंड में गाते हैं, 58 सेकंड में। लेकिन अगर शॉर्ट वर्जन गाना है तो उसे हम लोग 52 सेकंड निर्धारित है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में गाएंगे तो उसको 20 सेकंड लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम मतलब चलता फिरता एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। 8th नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हो गया, 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9 की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से, राजगृह या फिर राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। 9 का 2 इसका आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री थे हैनस्यांग। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है औरंगाबाद। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन की का गठन किया? बिहार। 13, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है? किनके प्रशासन के लिए? नगर और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए नगर पालिका है, जबकि बड़े शहरों के लिए नगर निगम है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई थी कोलकाता से। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? देखिए, स्वराज आंदोलन तो बेसिकली बहुत लोगों ने आरंभ किया था। एनी बेसेंट ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, जबकि फिर शुरुआत में सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था, और दादा भाई नेहरोजी ने भी इसकी रखी थी, तो वो तो बहुत कुछ है इसमें जुड़ा हुआ स्वराज आंदोलन से, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसमें प्रमुख रूप से हैं। जबकि स्वराज दल चितरंजन दास, स्वराज दल की जो स्थापना की गई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये 15 का हो गया। 15 का अगर आपके पास कोई और आंसर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए डिटेल्स में। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है।
राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? देखिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए किसी भी राज्य के, जैसे मान लेते एग्जांपल में यूपी से कितना राज्यसभा सीट होना चाहिए, राज्यसभा में बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, ये सभी राज्यों से कितने कितने अनुपात में होना चाहिए, इसका जो उल्लेख है चौथी अनुसूची में है। फोर्थ अनुसूची जो है, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, तो उसमें ये सब उल्लेख है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 16 नंबर, हो गया 17 नंबर। देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं था? तो आप सभी को पता है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उसके लिए कुछ लक्ष्य थे, तो उनमें से ये लक्ष्य नहीं था, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, फोर्थ नंबर लक्ष्य नहीं था, बाकी ये तीनों लक्ष्य था। ठीक है, तो 17 नंबर कंप्लीट होता है। 18 नंबर, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? आर्टिकल 43A जो है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करता है, आर्टिकल 43A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, और जो जिसने भी पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट महत्वपूर्ण कार्य किया उनको प्रदान किया जाता है, तो ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, जिसको 1987 में किया गया था, 1987 में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ये है सरखेज रोजा। सरखेज रोजा को अहमदाबाद का, सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। अब ये एक्रोपोलिस जो है एथेंस में, अगर आप गूगल में एक्रोपोलिस करेंगे तो आपको दिखेगा एथेंस, जो कि ग्रीस में है, ग्रीस में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है रॉक के ऊपर में, तो उसी को एक्रोपोलिस कहा जाता है अहमदाबाद का, सरखेज रोजा को। तो आप गूगल करके एक बार देखिए एक्रोपोलिस कैसा दिखता है, एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी की अष्ट प्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? देखिए, पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले समय में जब लोग की परिषद होती थी तो अलग अलग नाम से बोलते थे, जैसे अभी वित्त मंत्री है तो उस समय कुछ और कहा जाता था, तो ये जो अष्ट प्रधान है उसमें अमात्य नाम जो था, ये अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, महालेखाकार। महालेखाकार हिसाब किताब खाता बही करने वाले लोग थे, होते थे उस समय, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, वड़गांव का आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में हुआ था? 1779 ईस्वी में, और इसी आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा काफी मजबूत थे, उसमें अंग्रेजों को काफी हानि हुई और फाइनली उनको वड़गांव की संधि करनी पड़ी 1779 ईस्वी में। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है। कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, जिसमें एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें परहैप्स 120 से 123 अंग्रेज बच्चों को, महिलाओं को कैद कर दिया गया था, बंदी बना दिया था, जिसके कारण इन सभी को मौत हो गई थी घुटन से, तो ये था उस समय ब्लैक होल त्रासदी कहते थे उसको। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? अनुच्छेद 40। तो इधर हो गया 29 30, इधर अनलिनो के बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? बाबा दयाल दास। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? मल्काजगिरी तेलंगाना।
भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की गई। आपको सभी पता है कि झंडा समिति, झंडा संचालन समिति, ड्राफ्ट, बहुत सारे समिति थी, ड्राफ्ट समिति। तो उनमें से ये कहा जा रहा है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लास्ट क्वेश्चन है, वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? गोल्फ से। तो ये दोस्तों कंप्लीट होता है आज का 30 क्वेश्चन और मॉक सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।